हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, वहां से वैकेंसी आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही आपको वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ जाएगी। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या डिटेल इसमें दी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 01DR2023 दिया गया है। परमानेंट पोजीशंस के लिए वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक पीडीएफ फाइल में ही दिया गया है। 19 जून 2023 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके अलावा 26 जून से लेकर 30 जून तक आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर टेंटिव शेड्यूल भी दिया गया है। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेड टेस्ट में 1 अगस्त 2023 दिया गया है। सेकंड स्टेज में दिसंबर 2023, जबकि टेंटिव शेड्यूल कंप्यूटर बेड एप्टीट्यूड टेस्ट में मार्च 2024 का यहाँ पर एक टेंटिव शेड्यूल दिया गया है। एंड इसके अलावा हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं फॉर्म को फिलअप करने पे, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट एग्जीक्यूटिव के लिए अलग अलग डिसिप्लिन में वैकेंसी है। पे स्केल में 30,000 से लेकर 1,20,000 आईटी पैटर्न में यहाँ पे सैलरी मिलेगी। एग्जीक्यूटिव सिविल में 50 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में 30 वैकेंसी है, जबकि ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में 235 वैकेंसी दी गई है। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो सिविल में एंड इलेक्ट्रिकल में अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में है, या ट्रांसपोर्टेशन सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ सिविल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स, कम से कम 60% मार्क्स के साथ में है। इसी के अलावा 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम में है, कम से कम 60% मार्क्स के साथ में तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीटेक सिविल में या इलेक्ट्रिकल में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। कम से कम 60% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में रहना चाहिए। एंड एजुकेटिव फिनांस में यहाँ पर 14 वैकेंसी, यहाँ पर बीकॉम 60% मार्क्स के साथ ही मांगा गया है। एजुकेटिव एचआर में 19 वैकेंसी। अगर आपके पास बीबीए है या बीएमएस है एचआर या पर्सनल मैनेजमेंट में, या आपके पास एमबीए है एचआर में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड एजुकेटिव आईटी के लिए अगर आपके पास 3 ईयर का बैचलर डिग्री यानी BCA है, या डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, या IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में, या नेटवर्किंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, यहाँ पर 25,000 से लेकर 68,000 N5 लेवल की IT पैटर्न में सैलरी मिलेगी। बात कर लेते हैं, यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 24 है, एंड सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में 148 वैकेंसी है। मैकेनिकल में 9 वैकेंसी दी गई है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ से देख सकते हैं। इन सभी में अगर आपके पास 10th क्लास पास आउट है, कम से कम 60% मार्क्स के साथ में, इसके अलावा 2 ईयर के ड्यूरेशन का आपके पास ITI है, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक में, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइसेस टेक्निकल टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फिटर वायरमैन इलेक्ट्रिशियन IT एंड सिस्टमैटिक सिस्टम मेंटेनेंस IT में, या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस में, तो अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 60% मार्क्स आपका 10th क्लास में होना चाहिए। 19 जून तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है बीटेक भी अप्लाई कर सकते हैं। आप बीबीए के साथ एमबीए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
एज लिमिट यहाँ पर दोनों पोस्ट के लिए 18 से 30 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से फॉलो होगा एंड 1 जुलाई 2023 तक एज की काउंटिंग यहाँ पर की जाएगी। एंड यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर 3 स्टेज में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा एंड नेगेटिव मार्किंग का ही प्रावधान है। रॉन्ग आंसर देने पे 1/4 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा एंड सेकेंड स्टेज उसके बाद बुलाया जाएगा फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करने के बाद। तो फर्स्ट स्टेज का नेचर ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर रहेगा एंड देख लेते हैं फर्स्ट स्टेज में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट स्टेज में 90 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा एंड यहाँ पर टोटल 100 मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 30, जनरल अवेयरनेस से 15, जनरल साइंस से भी 15, लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस से 30 एंड नॉलेज ऑफ अबाउट रेलवे एंड DFCCIL से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चंस के बेस पे यहाँ पर फर्स्ट स्टेज स्क्रीन टेस्ट का लिया जाएगा एंड इसी के बाद में सेकेंड स्टेज में 120 मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 120 मिनट्स का समय यहाँ पर दिया जाएगा एंड इसका कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसकी डिटेल सबसे लास्ट में पीडीएफ फाइल में यहाँ पर दी गई है। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व ओबीसी में 40 है, एससी ओबीसी एनसीएल में 30, एसटी के लिए 25% यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 की फीस है। एससी एससी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए किसी भी तरह की फीस आपको नहीं पे करनी है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है तो इसी पीडीएफ फाइल में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक सबसे ऊपर में दिया गया है एंड सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल दी गई है सेकेंड स्टेज के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्सर फोरम जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड स्टेज के लिए 120 मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से डिसिप्लिन में कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है नेक्सर फोर को, आप यहाँ से डिटेल्स को देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। सबसे फर्स्ट पेज पर चलते हैं। फर्स्ट पेज में यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक पीडीएफ फाइल में ही दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे आप एक नए इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है, पोस्ट नेम, कैंडिडेट फुल नेम, मोबाइल नंबर कंफर्म करके, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस कंफर्म करना, देन ओटीपी आपको जनरेट करना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके इसे सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।